नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। हमने पिछली वीडियोस में चेक किया था कि किस तरीके से हम फाइल शिफ्ट एंड सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करके अपना लैडर लॉजिक कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने देखा था BSL, BSR, SQO दैट इज सिक्वेंशियल आउटपुट, LIFO एंड FIFO। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रोग्राम कंट्रोल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्रामिंग बनाते टाइम। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जंप एंड लेबल के बारे में। आज जो जंप एंड लेबल्स हैं, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है जंपिंग, दैट मीन्स कि अगर हमें PLC के अंदर उसका प्रोग्रामिंग सीक्वेंस को अगर चेंज करना है, या प्रोग्राम लैडर एग्जीक्यूशन को अगर हमें चेंज करना है, देन हम वहां पे जंप एंड लेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि अगर हमें PLC के थ्रू जो लैडर ऑफ प्रोग्रामिंग हमने की की हुई है, उसके अंदर हमें कुछ लाइंस को या कुछ रंग्स को हमें स्किप करना है एग्जीक्यूशन के लिए, कि जब हमारा जंप एंड लेबल ऑपरेट हो तो वो जो प्रोग्राम है जंप एंड लेबल के बीच में वो एग्जीक्यूट ना हो, तो हम वहाँ पे जंप एंड लेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जैसे कि हम मेंटेनेंस करते हैं, पर्टिकुलर एक आउटपुट हमें ऑपरेट नहीं कराना, उसको मेंटेनेंस में रखना है, देन हम वहाँ पे जंप एंड लेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जंप एंड लेबल जो है दोनों साथ में यूज होते हैं, पेयर में काम करते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास रंग्स हैं, हमें फर्स्ट से डायरेक्टली 10th लाइन को एग्जीक्यूट कराना है, लेकिन सेकेंड लाइन से लेकर 9th लाइन तक कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो, तो उस कंडीशन पे हम जंप एंड लेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जो हम एड्रेसिंग फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं वो रहेगा फाइल नेम, लैडर नंबर, कॉलन कॉन्स्टेंट। मीन्स अगर हम यहाँ पे जंप की एड्रेसिंग करना चाहते हैं तो फाइल नेम जो यहाँ पे है वो है क्यू। लैडर नंबर का मतलब है जिस भी लैडर पे हम काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सेकंड पे हैं, थर्ड पे हैं या फोर्थ पे हैं, तो जिस भी लैडर पे हम रहेंगे और जंप का इस्तेमाल करना चाहते हैं वही लैडर नंबर हम यहाँ रखेंगे। जैसे बाय डिफॉल्ट अगर हम 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे लैडर नंबर 2 आ जाएगा, दैट इज क्यू टू, देन कॉलन, देन यहाँ पे वो एड्रेसिंग या वो कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है जो हम जंप इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम पहली बार जंप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 लिख सकते हैं, इसी तरीके से अगर हम सेकेंड टाइम जंप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर तो हम इसको 2 कर सकते हैं, जो कि एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पे काम आएगा कि हमने कितनी बार अपना जंप एंड लेबल को प्रोग्रामिंग में यूज किया हुआ। तो उसको एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं, एक इनपुट आउटपुट, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 3 बार। लेट सपोज इनपुट है हमारे पास 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से आउटपुट है, इसे एक बार डाउनलोड करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं PLC की जो स्कैनिंग है वो कंटिन्यूसली चल रही है, जिसकी वजह से जब जब हम इनपुट को एक्टिव करेंगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। हम किसी भी इनपुट को एक्टिव करते हैं तो आउटपुट हमें एक्टिव मिलता है। अब हम सिनेरियोस चेक करते हैं कि जंप एंड लेबल हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
पर लेट सपोज कि हम प्रोग्रामिंग में चाहते हैं कि जब हम जंप और लेबल का ऑपरेट करें देन उस कंडीशन पे हमारा आउटपुट 2 और आउटपुट 3 ना चले, तो उस कंडीशन के लिए हम यहाँ पे जंप एंड लेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक इंसर्ट करते हैं रन, इस पे एक इनपुट देते हैं इनपुट नंबर 5 और लेबल जंप का इस्तेमाल करते हैं जेएमपी। इस पे एड्रेसिंग होगी जैसे कि अभी हमने देखा था फाइल नेम लैडर नंबर एंड कॉन्स्टेंट। तो फाइल रहेगा क्यू, जिस पेज पे दैट इज लैडर नंबर 2 पे है तो 2 कॉलन, पहली बार हम जंप का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग में तो 1। नेक्स्ट लेबल हमें वहां आइडेंटिफायर की तरह लगाना है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जंप होने के बाद कहां से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन के लिए लेबल का इस्तेमाल करेंगे कि जैसे ही जंप अगर हमारा ऑपरेट होता है तो डायरेक्टली पीएलसी का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हमारा या लैडर नंबर या रंग नंबर 4 से स्टार्ट हो जाए। तो इसके ऊपर भी जो हम एड्रेसिंग करेंगे आइडेंटिफिकेशन, तो जो हमने जंप के ऊपर एड्रेसिंग किया वही हम लेवल पे एड्रेसिंग करते हैं। अभी से एक बार वेरीफाई करते हैं। ऑन करते हैं फर्स्ट इनपुट को, अगर हमारा जंप ऑन नहीं होता है, लैडर नंबर रंग नंबर 2 और रंग नंबर 3 को अगर हम एक्टिव करते हैं तो हमें आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अगर जंप इंस्ट्रक्शन अगर ऑपरेट हो जाता है, इनपुट हमने ऑन किया, जंप ऑपरेट हुआ और अब हमारा पीएलसी क्या करेगा, वो डायरेक्टली 4th नंबर पे स्कैनिंग स्टार्ट करेगा। पीएलसी कुछ देर के लिए रंग नंबर 2 और रंग नंबर 3 को एग्जीक्यूट नहीं करेगी, प्रोग्राम को स्किप कर देगी या स्कैन को स्किप कर देगी। भले ही हम इसका इनपुट ऑपरेट कर दें तो स्कैन साइकिल के अंदर यह आउटपुट को अपडेट नहीं करेगी। जब तक हमारा जंप ऑन है तब तक पीएलसी इस 2 रंग्स को एग्जीक्यूट करना भूल जाएगी या स्कैनिंग में उसको स्कैन नहीं करेगी, डायरेक्टली वो लैडर नंबर 4 से स्टार्ट हो जाएगी। हम इनपुट 4 ऑपरेट करते हैं तो आउटपुट 4 ऑपरेट हो जाएगा। तो जंप और लेबल एक तरीके से जोन में काम करेंगे। जंप का मतलब ये होगा कि जैसे हमने इनपुट ऑन किया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हमारा बंद हो जाएगा बिटवीन जंप एंड लेबल। अब जैसे ही हम जंप को ऑफ करेंगे तो नॉर्मल स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी अगेन, जिसकी वजह से अगर हमारा इनपुट 2 एंड इनपुट 3 अगर ऑपरेटेड है तो आउटपुट 2 एंड 3 भी ऑपरेट हो जाएगा। जैसे जंप ऑफ हुआ नॉर्मल स्कैनिंग में हमारा प्रोग्राम आया तो उसके अंदर हम आउटपुट को भी ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे यह होती है कि अगर हमारा नॉर्मल प्रोसेस अगर चल रहा है, जैसे अभी हम देख पा रहे हैं इनपुट 2 पे आउटपुट 2 ऑपरेट है, 3rd पे आउटपुट 3rd ऑपरेट है, अगर इस कंडीशन के अंदर अगर हम जंप को ऑपरेट कर देते हैं तो पीएलसी क्या काम करेगी, अगेन प्रोग्राम को स्किप करके रंग नंबर 4 से स्टार्ट करेगी। अगर हम रंग 2 का इनपुट और रंग 3 का इनपुट अगर ऑफ भी कर देते हैं तो पीएलसी आउटपुट 2 एंड आउटपुट 3 को अपडेट नहीं करेगी, स्कैन नहीं करेगी, जिसकी वजह से आउटपुट जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑपरेटेड फॉर्म में रहेंगे या ये कहें हम कि रिटेंटिव फॉर्म में हो जाएंगे, होल्ड हो जाएंगे एक तरीके से जब तक हमारा जंप ऑन है। जैसे ही हम इनपुट नंबर 5 को ऑपरेट करते हैं जंप कट ऑफ होगा प्रोग्राम में, देन ही पीएलसी नॉर्मल तरीके से रंग 2 एंड रंग 3 को स्कैनिंग करेगी और आउटपुट को ऑफ कर देगी और स्कैन साइकिल हमारा अपडेट हो जाएगा। तो मेनली जो जंप और लेबल का फंक्शन है वो ये है कि अगर हमें किसी भी प्रोग्राम के अंदर लॉजिक के अंदर अगर हमें कुछ पर्टिकुलर लाइंस को स्कैनिंग के दौरान स्किप करना है देन हम वहां पे जंप एंड लेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जंप एंड लेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्रामिंग। थैंक यू।